नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश और चलिए बात करते हैं आज की खबर की। अब खबर अराई से। निकटवर्ती ग्राम पंचायत बरोल के गांव सोयला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में है, जिससे बच्चों का हादसा खतरा मंडरा रहा है, परंतु शिक्षा विभाग कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालयों की दीवारें में दरारें आ रही हैं तथा छत भी, कमरे व ऑफिस समेत पोषाहार कक्ष और रसोई घर तक की छतों से पानी टपक रहा है, जिससे बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है। वहीं बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा रहा है। भाजपा नेता शिवराज, सूरजकरण, शंकर सिंह, दुर्गा सिंह, गोपाल, प्रहलाद वैष्णव आदि मौजूद हैं। इनका कहना है, विधायक स्टाफ द्वारा पंचायत व शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया गया है, परंतु 4 साल से भवन की यही हालत है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अधिक बरसात आने पर हम बच्चों की छुट्टी कर देते हैं। सरिता कुमारी, प्रधान अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोयला। सोयला के स्कूल की स्थिति खराब है। 2 कमरे बिल्कुल जर्जर हालत में है, बाकी कमरे की छत टपक रही है। इस मामले में पंचायत और मैंने प्रस्ताव बनाकर बार बार विभाग को अवगत करा दिया है, परंतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोयला। हमारे विद्यालय का हम प्रस्ताव पिछले 4 साल से बना बना के विभाग की जो कार्रवाई है उसके तहत हम प्रस्ताव भेजते हैं, पर आज तक विभाग के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। समय समय पर हम अपने उच्च अधिकारी को सूचित करते हैं, PO साहब, सरपंच साहब को भी अवगत कराया है, तो वो भी प्रस्ताव बना के आगे भेज देते हैं। सारी हमने प्रक्रिया विद्यालय की तरफ से पूर्ण कर लिया है, पर आज दिनांक तक भी 4 साल तक भी यहाँ पे किसी प्रकार की हमें विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अधिक बारिश आने पर हम उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार विद्यालय की बच्चों की छुट्टी कर देते हैं, और किसी भी स्थिति में जो विद्यालय का भवन है, जो कमरे हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं, तो इसलिए हम बच्चों की छुट्टी कर देते हैं। 19 से हम लगातार सोयला स्कूल की जो जर्जर स्थिति है, वर्षा ऋतु में लगातार पानी सभी कमरे लगभग सभी में पानी टपकता है। 2 कमरे की स्थिति ऐसी है कि जो जर्जर स्थिति में, तो किसी भी स्थिति में गिर सकता है। इसकी बार बार प्रपोजल बनाकर विभाग को दिया जा रहा है, और विभाग द्वारा जो हमारे से सूचना मांगी जाती है उनके प्रस्ताव में हार्ड कॉपी में वीडियो बना करके विभाग को समय समय पर दे रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक न तो विद्यालय के मेजर रिपेयरिंग का कोई प्रस्ताव विभाग द्वारा पारित किया गया है, न JEE के द्वारा इस विद्यालय की तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। सरपंच के द्वारा, मेरे द्वारा एंड वक्त पर एज स्थिति को देखते हुए ये प्रस्ताव बना के दिए गए थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि सभी कमरों की जर्जर स्थिति है। करने कोई जनहानि होगी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? विभाग द्वारा बार बार सूचना मांगी जाती है, लेकिन 4 साल से इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 कमरे ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी स्थिति में गिर सकते हैं, लेकिन बार बार JEE को कहने पर भी कि 2 कमरों को जमींदोज करा करके नए सिरे से नई कमरों का निर्माण करने का प्रस्ताव अगर भेजा जाता है तो बच्चों के बैठने के लिए जो पर्याप्त कमरे नहीं है उनकी व्यवस्था हो सकती है। मैं PO बरोल रमेश कुमार यादव, प्रधानाचार्य।